पूरे विश्व में जहाँ पर कोरोना का असर दिखाई पड़ रहा है, उसी के धरती पर जो कि भारत भारत में बहुत से पॉजिटिव लोग यहाँ पर आगे नज़र आए हैं, तो महाराष्ट्र सरकार ने भी यहाँ पर पूरी तरह से लॉकडाउन का करने का यहाँ पर निर्णय लिया है। पूरी तरह से गांव बंद है, लेकिन जो लोग यहाँ पर अपना काम करने के लिए बाहर आते हैं वो लोग घर पर भी जा सकते हैं और अपने परिवार में वो लोग जाकर रह सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके जिन लोगों का परिवार ही नहीं है, उन लोगों का आज के दिन दो वक्त का खाना मिलना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। इसी धरती पर यहाँ पर दिव्या फाउंडेशन की ओर से जो लोग जिन बेघर है, उन बेघर लोगों को दो वक्त का खाना देने का काम ये दिव्या फाउंडेशन की ओर से किया जा रहा है। सीधा हम बात करेंगे जो कि दिव्या फाउंडेशन के अध्यक्ष है। सर बताइए कि किस तरह से आपके मन में ये विचार आया और क्या आपकी मंशा इसके पीछे? देखा जाए तो जग भर में विश्व में जो कोरोना का वायरल इन्फेक्शन चालू है उसकी तरह भारत इंडिया में भी तो आ चुका है, उसमें महाराष्ट्र में और भारत में बहुत सारे पॉजिटिव पेशेंट अपने को दिखने मिल रहे। इसी कारण जो अपने जैसे जो बंदे जो अपने जैसा परिवार है वो घर पे रह के आराम से अपने बच्चे लोग के साथ टीवी देख सकते हैं, अपने दो टाइम का खाना खा सकते हैं, लेकिन ऐसे इस अवसर पे जो बेघर बांधव है जो बेसहारा बांधव है उनको खाना नसीब नहीं हो रहा है, उनको रहने के लिए जगह तो मिल सकती है, कहाँ पर भी जाके वो सो सकते, लेकिन परंतु इसके कारण जो बेघर बेसहारा बांधव है उनको खाने को नसीब नहीं मिल रहा। और अभी जैसे वो भिक्षु मांग के दुकान में जाके मांग लेते थे, कुछ खाने को मिलता था, कुछ पैसे मिलते थे, उसमें उसका जो जीवन सफल हो जाता था, लेकिन इसी कारण आज शटडाउन जो 21 दिन का हुआ है, लॉकडाउन जो हुआ है भारत में महाराष्ट्र में हुआ है, उसी तरह भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने शटडाउन किया, उसी तरह से इन लोग का खाने को नहीं मिल रहा है। उसी तरह पे दिव्या फाउंडेशन की ओर से जो बांधव बेसहारा बेघर बांधव है उनको दो टाइम का खाना देने का अवसर हमारी टीम ने किया, उसी अवसर से 23 तारीख से कंटिन्यू काम चालू है। आने वाले 21 दिन जब तक शटडाउन रहेगा, यानी 21 तारीख या 21 दिन का नहीं जब तक रहेगा तब तक दिव्या फाउंडेशन की ओर से बेसहारा बांधव को दो टाइम खाना मिला। उसी अवसर पे जो हमारे लिए जो अपने लिए जो महाराष्ट्र पुलिस भारत पुलिस अलग अलग जिले के और राज्य के पुलिस जो अपने लिए शटडाउन में भी परिवार छोड़ के काम कर रहे, उन्हें परिवार को ध्यान में रखते हुए उनके प्रोटेक्शन के लिए मास्क हो या सैनिटाइजर हो उनको बाटअप किया, उसी कारण उनको दो टाइम का खाना तो घर पे मिल सकता है, लेकिन उनके दोपहर के टाइम रास्ते पे वो रहते हैं उसे न सिर्फ चाय और पानी का और बिस्किट का हमने वो बाटअप उनको ही दिया है। जो अभी कुछ दिन पहले ST चालू थी लेकिन बस चालू सेवा चालू थी, बस सेवा में साधारणतः हर एक बस में 100-150 लोग जाते आते रहते हैं, उसी कारण पे वो ध्यान में रख के जो ST कंडक्टर है ड्राइवर है उनको ही मास्क बाटअप करके पुलिस प्रशासन को मास्क बाटअप करके ऐसे गरीब लोग को खाना दे के दिव्या फाउंडेशन ने काम कर रही है। आगे भी दिव्या फाउंडेशन का काम ऐसे ही चालू रहेगा। और जो संवाददाता है दीपक जी, इन्होंने हमारा काम ध्यान में रख के हमारे पास आए, उन्होंने हमारा काम देखा, उसलिए आपका ही शहदिक से शुक्रिया मानता हूँ। तो ये थे यहाँ पर दिव्या फाउंडेशन के अध्यक्ष, जिनकी मंशा थी कि हर राह पर घूमने वाला जो कोई बेघर है उस बेघर को दो वक्त का खाना देने का काम इस दिव्या फाउंडेशन के माध्यम से किया जा रहा है। हम लोगों को ये हिदायत देते हैं कि सरकार ने यहाँ पर लॉकडाउन किया है तो अपने आप को भी घर में कैद करके रखें।